नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 20 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह, 7 जजों को चीफ जस्टिस संजय करोल दिलाएंगे शपथ। 20 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 7 जज शपथ लेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस पी वी बजनत्री और केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस ए एम बदर को चीफ जस्टिस संजय करोल शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 4 नवनियुक्त जज संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा एवं राजेश कुमार वर्मा को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। दशहरा छुट्टी खत्म होने के बाद 21 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के खुलते ही सभी न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। पटना हाईकोर्ट में पूजा अवकाश के ठीक पहले न्यायिक सेवा कोटे से 2 जज पटना कोर्ट में शपथ ग्रहण किए थे। शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 26 हो जाएगी, जबकि यहाँ जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इस तरह अभी भी 27 जजों के पद रिक्त पड़े हैं। 20 अक्टूबर को पनोरमा खेल प्रतियोगिता का होगा उद्घाटन। बॉलीवुड कलाकार समेत कई दिग्गज करेंगे शिरकत। पहली बार पनोरमा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका और पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा के द्वारा 20 अक्टूबर 2021 से पनोरमा स्टार खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन ई होम्स पनोरमा में किया जा रहा है। आपको बता दें कि पनोरमा स्टार के नाम से चल रही प्रतियोगिता विगत 4 वर्षों से पूर्णिया और पूरे बिहार के प्रतिभावान बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो उन्हें उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करता है। प्रतियोगिता का आयोजन ई होम्स पनोरमा के विशाल, अद्भुत, आकर्षक और विशेष सुविधाओं से लैस प्रांगण में किया जा रहा है। इस कैंपस की विशेषता यह है कि यहां हेलीपैड तक बनाने की योजना है। पूर्णिया के लिए यह एक अनूठा कैंपस है। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले अरविंद को जान से मार दिया। जम्मू में बेचता था चाट और गोलगप्पा, परिवार में कोहराम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार शाह को गोली मारकर हत्या कर दी है। अरविंद का परिवार काफी गरीब है, जो जम्मू में रहकर चाट और गोलगप्पा बेचता था। 3 महीना पहले कोरोना से इसके भाई की भी मौत हो गई थी। अब आतंकवादियों ने अरविंद को भी मौत के घाट उतार दिया है। मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आतंकी हमले में मारा गया अरविंद कुमार शाह मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला था। बांका बराहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआ पंचायत के पड़घड़ी गांव में अरविंद का परिवार रहता है, जो काफी गरीब है। 3 महीने में 2 जवान बेटों की मौत के बाद परिवार एकदम टूट गया है। इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरविंद के परिजनों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए टीईटी जरूरी, लागू होगी नई व्यवस्था। बिहार के सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था लागू की जाएगी, और इसके जरिए ही किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का सिलेक्शन में किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है। बिहार में भी इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है। बिहार में नीतीश सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में जुट गई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर एक कार्यशाला को भी संबोधित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके मुताबिक निजी स्कूल समेत सभी स्तरों पर शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को आवश्यक बताया गया है। आतंकी हमले में 2 बिहारियों के मारे जाने पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बिहार में रोजगार रहती तो दूसरे प्रदेशों में लोग पलायन नहीं करते। आतंकी हमले में 2 बिहारियों के मारे जाने की घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार में रोजगार रहती तो दूसरे प्रदेशों में लोग पलायन नहीं करते। कश्मीर में आतंकियों द्वारा 2 निर्दोष बिहारियों को मारे जाने की घटना पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया है। तेजस्वी ने कहा कि आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस घटना की जानकारी हुई होगी। आज फिर बिहार के 2 मजदूरों को
जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। कल भी एक श्रमिक की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या की जा चुकी है। तेजस्वी ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि इन सभी बिहारियों की नृशंस हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपका सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो इनकी भांति करोड़ों बिहारवासियों को हर वर्ष पलायन के लिए विवश नहीं होना पड़ता। आप इस सरकार की नाकामी के कारण ये सभी आतंकवाद की भेंट चढ़े। युवक अपने घर से दूर एक आतंकवाद प्रभावित दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हुए। नए साल में बिहार के 20 मंत्रियों को मिलेगा तोहफा। 58 करोड़ की लागत से बन रहा है चमचमाता बंगला। नए साल में राज्य के 20 मंत्रियों को सरकारी आवास के रूप में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का नया खूबसूरत बंगला मिलेगा। एक सरकारी बंगले का एरिया करीब 440.8 वर्ग मीटर है। निर्माणाधीन परिसर में G+1 के 20 सरकारी बंगले के साथ G+2 का 20 एनेक्सी ब्लॉक, 20 सिक्योरिटी पोस्ट, G+1 का एक बैरिक, G+1 का एक क्लब हाउस, एक चेंज रूम, एक कॉन्वेंशन ब्लॉक और एक स्विमिंग पूल बनेगा। सभी का निर्माण करीब 14.50 एकड़ एरिया में करीब 57,97,88,660 रुपये की लागत से पटना के गर्दनी बाग इलाके में अंतिम चरण में है और दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। सभी बंगलों में आधुनिक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बंगलों का निर्माण 29 मई 2020 से शुरू किया गया था। इसका निर्माण 28 नवम्बर 2021 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तकनीकी वजहों से इसमें देरी की आशंका के कारण 28 अप्रैल 2022 को पूरा करने की संभावित तिथि रखी गई है। दीपावली और छठ में घर आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश ने दिए कई निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। कोरोना के हालात की समीक्षा करते हुए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर बिहार आने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जाए। वहीं हर रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव और इंटर स्टेट चेक पॉइंट पर भी नजर रखने का निर्देश सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया है। बिहार में कोरोना के हालात पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। यदि किसी के पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो अन्य दूसरे पहचान के आधार पर भी वैक्सीन लगाई जाए। हमारी कोशिश है कि कोरोना का टीका हर व्यक्ति लगाए। सरकार यह प्रयास आगे भी जारी रखेगी। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे अहम माना जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। इसे लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास जारी है। सीएम नीतीश ने सभी लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की भी अपील की है। क्रिकेट मैच ने आईएएस की शादी का पहले बेड़ा गर्क किया। अब इनकम पर है जांच एजेंसियों की नजर। बिहार के एक आईएएस अधिकारी की शादी की वजह से इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट मैच स्थगित होते होते रह गया। यह खबर थोड़े दिन पहले सुर्खियां बनी थी। जहानाबाद में डीडीसी के पद पर तैनात मुकुल कुमार गुप्ता ने रांची के 5-स्टार होटल में कमरे बुक कराए थे। होटल रेडिसन ब्लू में कमरे जिस तारीख को बुक कराए गए थे उसी तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच खेला जाना है। 19 नवंबर को होने वाले इस क्रिकेट मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों को होटल चाहिए था। रेडिसन ब्लू में कमरे उपलब्ध नहीं थे जिसे लेकर काफी बवाल मचा। मैच रद्द होने तक की नौबत आ पहुंची थी। आखिरकार इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब कहीं जाकर आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने होटल रेडिसन ब्लू में बुक अपने कमरे छोड़े थे। रेडिसन ब्लू में कमरे पर दावा छोड़ने के बाद टी20 मैच का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन सुर्खियों में आए आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की परेशानियां अब बढ़ सकती है। चर्चा है कि मुकुल कुमार गुप्ता की आय पर अब जांच एजेंसियों की नजर जा गड़ी है। एक 5-स्टार होटल में भारी तादाद के अंदर कमरे बुक कराने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। शादी में भारी तामझाम और खबर की चर्चा मिलते ही बिहार आर्थिक अपराध इकाई के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि अब तक डीडीसी के खिलाफ किसी तरह की जांच शुरू नहीं हो गई है, लेकिन आने वाले दौर में ऐसा नहीं होगा इस बात की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है।
पटना हाईकोर्ट के चार अधिवक्ता बने जज। कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट के चार अधिवक्ता को जज नियुक्त किया है। अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा, संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह और सत्यव्रत वर्मा पटना हाईकोर्ट के नए जज के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट में और चार नए जज नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व न्यायिक सेवा के दो अधिकारी को हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। साथ ही पटना हाईकोर्ट में विभिन्न हाईकोर्ट के तीन जजों का स्थानांतरण किया गया। वहीं पटना हाईकोर्ट के एक जज को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया। पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 19 जज हैं। दूसरे हाईकोर्ट में तबादले के बाद और चार अधिवक्ता को जज बनाए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या अब 26 होगी, जबकि 53 कुल स्वीकृत पद हैं। ऐसे में अभी भी जजों के कई पद रिक्त हैं। दुर्गा माँ की विदाई के साथ ही होगा बिहार में ठंड का आगमन। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, हल्की बारिश के आसार। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद बिहार के मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर से मौसम में बदलाव नजर आएगा और हल्की वर्षा भी होगी। इसके बाद बिहार में ठंड दस्तक देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार में हल्की बारिश के साथ ही बिजली चमकने और मेघ गरजने और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम में शुष्की होने से तापमान बढ़ेगा और शनिवार से बिहार के अधिसंख्य जिलों में बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बिहार में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना है। इसको लेकर प्रदेश के सभी 38 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।